हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज शेरडी व्लॉगर प्रीति और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं व्रत की इडली। व्रत में खाई जाने वाली इडली और दो चटनी मैं यहाँ पे किस तरह से बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये इडली बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्टी हमारी इडली बन के रेडी होती है और बहुत ही कम सामान लगता है और कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। व्रत में हम एक खिचड़ी खा के ही बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो कुछ अलग हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, ये इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और किस तरह से ये बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी भर के भगर लिए है। हमारे महाराष्ट्र में भगर बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे सामा बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ये सामा लिया है। अब हम इसके साथ जो साबूदाना होता है वो मैंने लिया है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है, ये भिगोया हुआ साबूदाना नहीं है, ऐसा ही लिया है मैंने। और ये जो भगर है, सामा जो है, ये मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो के इसे कपड़े पे डालकर अच्छे से 1 घंटे तक सुखा लिया है। सूखने के बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसे अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है। अब हम ये एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसका कोर्स सा ऐसा पाउडर बना लेंगे, जैसे कि हमारी जो सूजी होती है मोटी वाली सूजी, उस तरह से इसकी पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा बारीक हमें ये नहीं बनाना है, कोर्स से ऐसे हमें इसकी पाउडर बना लेनी है। ज़्यादा बारीक अगर हम कर देंगे तो हमारी जो इडली है वो बहुत ही चिपचिपी होगी। तो इस तरह से हमें ये जो सामा यानी कि भगर जो है, भगर और साबूदाना, ये अच्छे से कोर्स टेक्सचर में हमें ये पीस लेनी है। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से मोटी वाली सूजी होती है ना, उस तरह से हमें ये पीस लेना है। अब ये जो साबूदाना और भगर जो है सामा, इसमें हम सामा हमने जितने कप लिया था उतने ही 1 कप भर के मैं यहाँ पे दही यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे ये घर का बनाया हुआ दही यूज़ किया है। तो 1 कटोरी सामा है, तो 1 कटोरी सामा के लिए मैंने यहाँ पे 1 ही कटोरी दही यूज़ किया है। तो दही डालकर हम ये बैटर अच्छे से एक सा कर लेंगे, अच्छे से हमें ये बैटर बना लेना है, स्मूथ सा ऐसा बैटर बनाना है हमें। तो 1 कटोरी दही से ये थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसमें पानी लगेगा, तो ऊपर से हम पानी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1/4 कप मुझे ये बैटर बनाने के लिए पानी लगा है, तो हम थोड़ा सा पानी डालकर ये बैटर जो है अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो ये इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे और ये बैटर स्मूथ बना लेंगे। तो ये देखिए, ये बैटर हमारा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से एक सा करके हम ये बैटर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम चटनी जो है इडली के साथ खाए जाने वाली वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, उसमें ये गीला नारियल जो होता है इसे मैंने अच्छे से कट करके धो लिया है और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूँगफली ली है और हरा धनिया लिया है और 3 से 4 मैंने यहाँ पे ये कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने नमक यूज़ किया है। और हम ये जो बैटर है, ये जो मसाला है, अच्छे से एक बार थोड़ा सा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा सा 1-2 बार चलाकर इसे इस तरह से पीस लेंगे। और फिर उसमें हम 1/4 कप भर के यहाँ पे मैंने दही लिया है और यहाँ पे मैंने ये बैटर बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए चीनी का यूज़ नहीं किया है, आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा हेल्दी वे से बनाने के लिए यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हमें बिल्कुल बारीक ऐसी चटनी बना लेनी है, पीस लेना है इसे। और ये देखिए, ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई। इसी तरह से हम दूसरी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने
ब्लेंडर जार ले लिया है और उसमें एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली उसके छिलके उतार लिए हैं मैंने, तो ये एक कटोरी ली है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल देंगे और इसे भी हम पहले ऐसे ही सूखा ही पीस लेंगे, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। आप यहाँ पे इस चटनी में आपको अगर नींबू चाहिए तो नींबू भी डाल सकते हैं, 1 पूरा नींबू इसके लिए हमें चाहिए तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दही का यूज़ कर रही हूँ तो मैं, और दही के साथ साथ मैं यहाँ पे गुड़ भी इसमें यूज़ कर रही हूँ। गुड़ के जगह पे आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से एक बार थोड़ा सा ये पीस लेने के बाद उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे और ये देखिए ये थोड़ी सी पतली बनाई है मैंने ये चटनी, तो ये पतली ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने ये मूंगफली की चटनी भी बना ली है। तो ये देखिए ये हमारी दोनों ही चटनियाँ बनके रेडी है। अब इसे हमें ऊपर से बस तड़का लगाना है। तो ये देखिए ये मूंगफली की चटनी जो है थोड़ी सी पतली बनाई है और नारियल की थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है, ये ऐसी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने ये दोनों ही चटनियाँ बना ली है। अब हम ये साइड में रख देंगे और जो हमने बैटर बना लिया था उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो उसमें और मैं 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस 2 टेबल स्पून ही पानी इसके लिए चाहिए। 2 टेबल स्पून पानी डालकर हम इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। हम इसे एक सा कर लेंगे और उसके बाद हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पे खाना सोडा का यूज़ किया है, तो 2 से 3 चुटकी खाना सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे। अब हम इडली कुकर जो है वो गैस पे चढ़ा देंगे। ये बैटर जो है ये बन गया है हमारा, इस तरह से इसका जो ये बैटर जो है इस तरह से बना लेना है हमें इतना थिक। अब हम गैस पे इडली कुकर जो है वो चढ़ा देंगे पानी डालकर, जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे जो इडली के मोल्ड है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, आप मूंगफली का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से ये जो इडली मोल्ड है ये ग्रीस कर लेंगे और इसमें बैटर फिल कर देंगे इडली का। देखिए इस तरह से हमें एक एक स्पून भर के इसमें बैटर डालना है। थोड़ा सा ये इडली मोल्ड जो है वो खाली रखना है क्योंकि इडली जो है अच्छे से फूल कर ऊपर आती है फिर। तो इस तरह से मैं ये दोनों ही इडली के मोल्ड जो है वो फिल कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये फिल कर लिए है मैंने, पानी भी गर्म हो गया है हमारा। तो ये जो इडली के जो मोल्ड है हम ये उबलने के लिए इडली कुकर में रख देंगे। ये 10 मिनट तक हमें ये जो इडली है ये इसे पकाना है। तो मैंने इडली कुकर दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है और इधर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन ली है, उसे गैस पर चढ़ा दिया है लो फ्लेम पे और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है और उसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा हम उसमें जीरा डालेंगे और जीरा डालते ही हम गैस ऑफ कर देंगे। हमें जीरा जो है जलाना नहीं है, बिल्कुल वो बस फूलना चाहिए। और इस तरह से ये हमारा तड़का भी बनके रेडी हो गया है और अब हम ये तड़का दोनों ही चटनी पे डाल देंगे ऊपर से, और ऊपर से हरा धनिया डालकर हम इसे गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी नारियल की चटनी और मूँगफली की चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और जो हमने कुकर चढ़ाया था तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी इडली भी बनकर रेडी हो गई है, इसे 10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ये देखिए वाओ हमारी इडली बनके रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही थोड़ा सा ही ठंडा करना है, बिल्कुल ज़्यादा ठंडा करना नहीं है इडली को हमें। और फिर हम अगर इडली निकालते हैं तो वो ये देखिए इस तरह से बर्तन में बिल्कुल भी इडली मोड में ये इडली जो है चिपकी नहीं है और बहुत ही आसानी से ये इडली निकल जा रही है।
तो इस तरह से ये हमारी व्रत की इडली बनके रेडी हो गई है। बहुत ही आसान है ये इडली बनाना और बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है। तो ये देखिए ये हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है। तो एक कप एक बाउल सामा यानी कि भगर से हमने ये इतनी सारी इडली बना ली है। इसमें 2 से 3 लोग आराम से भर पेट खा सकते हैं, 3 लोगों का पेट भर जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इडली और दोनों चटनियाँ बना ली है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।